शिक्षा का माध्यम नहीं रह जाती, वो फिर समाज में एक ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाने लगती है। इस बात को हमारे समय के दुनिया के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर के शब्दों में समझने की कोशिश की जाए तो उनके शब्द कुछ इस तरह से हैं, हालांकि जेरोम ब्रूनर भारत से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं और भारत कभी आए भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका ये उदाहरण मुझे उपयोगी लगा इस बात को शुरू करने के लिए। उन्होंने लिखा है कि विनिमय का माध्यम जिसमें शिक्षा दी जाती है तटस्थ नहीं हो सकता। वह माध्यम यानी कि शिक्षा का माध्यम जो भी भाषा होगी, वह एक नज़रिया हम पर थोपती है। ये नज़रिया उस संसार के लिए, उस संसार के बारे में जिसे वो संदर्भ बनाती है, और संसार को लेकर दिमाग के प्रयोग के बारे में भी होता है। भाषा अनिवार्य रूप से चीज़ों को देखने का परिप्रेक्ष्य हम पर डालती है या हम पर थोपती है, और जो हमें दिख रहा है उसे लेकर हमारी स्थिति भी तय करती है। यानी भाषा सिर्फ विज्ञान, समाज विज्ञान या अन्य विषय पढ़ाने का माध्यम भर नहीं है, वो अपने आप में एक तरह का शिल्प है, मानस का शिल्प है, जिसमें बच्चों का नज़रिया तय होता है संसार के बारे में भी, संसार को देखने का क्या तरीका है उस तरीके के बारे में भी। और इस अर्थ में शिक्षा का माध्यम बनने वाली भाषा एक बहुत गहरी समाज के एक वास्तुकार की भूमिका निभाती है, सिर्फ माध्यम नहीं होती, उस माध्यम में ही उसका एक बहुत गहरा संदेश निहित होता है। अगर इस दृष्टि से अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भूमिका को देखें तो निश्चित रूप से हम सभी उसी तरह की चिंता व्यक्त करने में जुट जाएंगे जिस तरह की चिंता औपनिवेशिक युग में गांधी जी, टैगोर और अनेक अन्य नेता और शिक्षाविद व्यक्त किया करते थे कि अंग्रेज़ी माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है, या अंग्रेज़ी शिक्षा ही उसका नाम हो गया था, उस शिक्षा से भारत का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन आज की दोपहर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि ब्रूनर की जिस बात से मैंने ये चर्चा शुरू की है, वो बात सिर्फ अंग्रेज़ी पर ही लागू नहीं होती, वो बात उस हिंदी पर भी लागू होती है जिसके हम सब इतने प्रेमी हैं, हम में से कई उसके पुजारी होने का दावा भी करते हैं और उसकी सेवा करने का दम तो हमेशा ही भरते हैं। हिंदी पर भी वो बात उतनी ही लागू होती है शायद जितनी कि अंग्रेज़ी पर लागू होती है। और जब हम कल्पना करते हैं कि अगर सारे स्कूल अंग्रेज़ी माध्यम की जगह हिंदी माध्यम हो जाएं, अचानक अगर एक बहुत सशक्त सरकारी निर्णय से ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये कल्पना भी मैं चाहता हूं कि आज दोपहर हम सब करें, ये सोचने के लिए कि दरअसल हम जिस स्थिति में हैं वो सतह से नीचे जाकर कैसी दिखाई देती है। क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि सतह पर तो ऐसा लगता है, सतह पर तो ऐसा ही लगता है कि वर्चस्व सिर्फ अंग्रेज़ी का है, लेकिन अगर सतह से नीचे जाते हैं तो फिर ये प्रश्न हिंदी की एक अपनी आंतरिक कहानी का भी विषय बनता है, उसकी अपनी आंतरिक व्यथा का विषय बनता है, उसके भीतर जो तनाव 1930 के दशक से विशेष रूप से उभरना शुरू हुआ, उस तनाव का भी ये विषय बनता है कि शिक्षा का माध्यम जो भाषा होती है वो अंततः क्या करती है। इस संदर्भ में हिंदी के उस आंतरिक तनाव को छूना शुरू करें तो दो तनाव एकदम सामने आते हैं। एक है जिसे आज हम हिंदी कहते हैं, उसका उर्दू के साथ रिश्ता, और दूसरा है जिसे आज हम हिंदी कहते हैं उसका उसकी ही बोलियों के साथ रिश्ता। ये दोनों ही ऐसे तनाव हैं जिनका एक जटिल इतिहास है। इस इतिहास का एक हिस्सा आप कह सकते हैं वतन से देश बनने का इतिहास है,
ये जो जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हिंदी के प्रख्यात उपन्यासकार यशपाल के उस उपन्यास के पहले खंड का शीर्षक है जो उन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन के बारे में लिखा था, झूठा सच। उसके पहले खंड का शीर्षक है वतन और देश। उस शीर्षक का उपयोग करें तो बहुत कुछ आज इस दोपहर को हम समझ सकते हैं कि वतन से देश बनने में कौन कौन सी आंतरिक प्रक्रियाओं से हमारा समाज गुजरा है। और जहाँ तक इस तनाव के इतिहास का दूसरा पक्ष है जिसकी चर्चा संक्षेप में आज मुझे करनी है, वो दूसरा पक्ष है वाचिक से साक्षर समाज बनने से उत्पन्न हुआ तनाव, जो प्रक्रिया आज भी चल रही है। दरअसल दोनों ही प्रक्रियाएं चल रही हैं। वतन से देश आज भी बन रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो वैमनस्य लगातार बना हुआ है आज़ादी के बाद से और रह रहकर युद्ध की स्थितियां उत्पन्न करता है, वह वैमनस्य याद दिलाता है कि दरअसल ये जो दक्षिण एशिया एक बहुत बड़ा वतन था उस समाज का जो यहाँ रहता है। इस वतन से देश या देशों के निर्माण की प्रक्रिया आज भी जारी है। एक निर्माणाधीन स्थिति हम देख रहे हैं, अभी ये निर्मित नहीं हुई है महादेवी के अर्थ में, और इसीलिए ये रोचक है, इसीलिए ये हमारी कल्पनाशीलता की, रचना की, हमारी चिंता की मांग करती है, क्योंकि आज भी एक निर्माणाधीन स्थिति है। एक इमारत आज भी बन रही है, गलत बन रही है, सही बन रही है, ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन वो इमारत आज भी बन रही है और हमारी रचनाशीलता की मांग करती है। और जो दूसरी बात है कि वाचिक से साक्षर बनने की प्रक्रिया, वो भी आज भी हो रही है। भारत आज भी पूर्ण साक्षर देशों में नहीं गिना जाता, और कई बार लगता है कि हाँ ये बात क्या इतने ही दुख की है जैसा व्यक्त किया जाता है सरकारी रिपोर्टों में, और कई बार तो बाकायदे निरक्षरता का जिक्र, जो कि दरअसल वाचिकता का जिक्र होता है, एक महामारी के रूप में होता है कि निरक्षरता के उन्मूलन के लिए शासन हर संभव प्रयास कर रहा है इत्यादि। वाचिक से साक्षर बनने की प्रक्रिया भी अभी निर्माणाधीन प्रक्रिया ही है, और अभी भी सोचने के लिए वक्त है कि इस प्रक्रिया के क्या मायने हैं हमारे मानस के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे अरमानों और इरादों के लिए, इसके क्या मायने हैं। ये दोनों ही प्रश्न इस अर्थ में, यानी कि वतन से देश बनना, आधुनिक अर्थ में राष्ट्र राज्य का निर्माण होना, और एक वाचिक या मौखिक समाज से एक सार्वजनिक रूप से या कि सार्वभौमिक रूप से साक्षर समाज बनना जिसमें कोई भी वाचिकता पर निर्भर ना रह जाए, ऐसा समाज बनने के क्या मायने हैं। और इन दोनों इतिहास प्रक्रियाओं को टटोलते हुए हम हिंदी के उन आंतरिक द्वंद्वों को छुएं जो कि आधुनिक हिंदी का उर्दू के साथ है और जो कि आधुनिक हिंदी का उसकी अपनी बोलियों के साथ है। तो आज के इस प्रयास को काफ़ी बढ़त मिलेगी। वतन से देश बनने का या कि एक समाज से एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनने का इतिहास दरअसल पहचान के आधुनिकीकरण का इतिहास है। जब भारत आज़ादी के करीब आ रहा था, आज़ादी के आंदोलन के आखिरी दो ढाई दशकों पर अगर गौर करें तो आप देखेंगे कि उस समय की पत्रिकाओं में, उस समय के साहित्य में बहुत से लोगों को ये सवाल मथता था और गांधी जी को तो निश्चित रूप से चिंतित करता था लगातार कि भारत कैसा देश बनेगा, आज़ाद होने जा रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है। 1930 के नमक आंदोलन के बाद तो अनेक प्रमाण दिखाते हैं कि अंग्रेज़ भी जानते थे कि हम छोड़ने जा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे। लेकिन कैसा भारत बनेगा, भारत किस तरह का देश बनेगा, ये सवाल अभी भी बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा मौजूद सवाल था। और हमारे सामने या कि इस देश के सामने उस समय जो नमूने थे वो ज़्यादातर यूरोपीय समाजों के ही थे, या बहुत से बहुत अमेरिका और जापान जैसे देशों के नमूने थे कि जब कोई देश स्वतंत्र होता है तो वो ऐसा दिखता है,
यानी कि जापान, फ्रांस या ब्रिटेन या अमेरिका जैसा दिखता है। और जब ऐसा दिखता है तो उसकी एक पहचान होती है, और वो पहचान होती है कोई एक भाषा, एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक राज्य और एक भाषा। कुछ इस तरह से राज्य की पहचान होती है, एक राष्ट्र राज्य की एक आधुनिक अर्थ में पहचान होती है। तो जो तर्ज थी उस समय उपलब्ध थी राजनीतिक चिंतन के लिए, यही तर्ज आज़ादी के आंदोलन के उन अंतिम दशकों में विचारकों पर, नेताओं पर और समाज में जो भी विचारों को व्यक्त करने के माध्यम थे उन सभी पर वो तर्ज हावी हो गई, बड़े पैमाने पर बजने लगी। और इस तरीके से आरंभ हुआ ये अभियान कि हाँ, भारत अपनी एक अलग पहचान के साथ एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बनेगा। जाहिर है एकीकृत होगा, जाहिर है कि उसके एकीकरण के सिलसिले में भाषा एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और भाषा ही क्यों, अस्मिताओं का संकट शुरू होते ना होते धर्म भी उस प्रक्रिया में शामिल हो गया, जिसके जरिए आधुनिकता का ये तकाजा होता है कि हम अपने को प्रस्तुत करना सीखें। आखिर 1871 में ये पहली बार प्रक्रिया शुरू हुई थी कि एक जनगणना अधिकारी लोगों के पास पहुंचता था। 1871 में तो जनगणना एक प्रायोगिक जनगणना ही थी, पूर्ण नहीं थी, पर 1881 के बाद से तो वो एक बहुत बड़ी एक वार्षिक शासकीय औपचारिकता बन चुकी थी। और उस औपचारिकता का एक बड़ा ख़ास हिस्सा होता है कि जब सरकार का कारिंदा आपके सामने आकर पूछता है कि आप कौन हैं, तो ये बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। यानी कि कुछ ऐसी बातों से अपनी शिनाख्त करवानी पड़ती है जो बातें सरकार को समझ में आ सकें। तो जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई, हर 10 साल बाद ये प्रक्रिया हुई, और इसलिए समाज को इस प्रक्रिया से वार्षिक रूप से गुजरने की आदत भी 1921-31 तक आते आते पड़ चुकी थी। और बाकायदे इस तरह के आंदोलन चलने लगे थे कि हम अपने को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे। और उसी सिलसिले में अस्मिता की प्रस्तुति एक ज़्यादा बड़ा मसला बन गई बनिस्बत अस्मिता के, कि हम अपनी पहचान को सामने किस अर्थ में रखते हैं। वैसे तो ये 19वीं सदी के अंतिम दशकों में ही ये सवाल लोगों को मथने लगा था, और बहुमत और अल्पमत का सवाल आखिर सर सैयद अहमद खान को भी बहुत स्पष्ट नज़र आया था कि अगर मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र अंततः भारत में आने जा रहा है जैसा कि यूरोप में, ब्रिटेन में है, तो फिर इसमें बहुसंख्यों की भाषा, बहुसंख्यों का धर्म हावी रहेगा। ये विचार आज से कोई 125 साल पहले उनके मन में आया था। पर ये जो दशक शुरू हुआ, जिस दशक में ये सिलसिला बहुत स्पष्ट होने लगा, और 1937 में चुनाव होने की जब बारी आई, तब तक ये सामाजिक प्रक्रियाएं बहुत स्पष्ट रूप से अपना रंग दिखलाने लगी थीं। और इस अर्थ में जिस इतिहास को आज हम दूर से टटोलने की बात कर रहे हैं, उस सिलसिले में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हिंदी उस भावी राष्ट्र का ही प्रतीक नहीं बनी, बल्कि उस भावी राष्ट्र के राज्य का भी प्रतीक बनने लगी जिसका जन्म अभी होना था। यानी कि उसके साथ ये दो जिम्मेदारियां जुड़ गईं, एक तो वो राष्ट्रभाषा बनेगी और दूसरे वो साथ में राजभाषा भी बनेगी। भाषाओं का वैसे कोई विधान नहीं होता, भाषाएं तो हम आपके संबंधों में संबंधों की ऊष्मा से जीती हैं, लेकिन हिंदी के ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ने जा रही है, ये काफ़ी स्पष्ट हो चला था कि हिंदी तो वैधानिक रूप से आगे बढ़ेगी। और इसलिए सिर्फ भाषा नहीं रह जाएगी, एक प्रतीक बनेगी।
बहुत से दस्तावेज दिखाते हैं कि ये इस तरह की संचेतना हिंदी के साथ जुड़ने लगी थी। और आप समझ सकते हैं कि जब भाषा के ऊपर इतनी बड़ी कोई जिम्मेदारी आए तो अंत में वो जिम्मेदारी किसके कंधों पे पड़ेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आज़ादी के बाद वो जिम्मेदारी पड़ी गरीब शिक्षक के ऊपर। राष्ट्र की भाषा, राजभाषा के निर्माण का जिम्मा हिंदी शिक्षक के ऊपर आना था, सो आया। अब इस शिक्षक के दृष्टिकोण से अगर आप आज जायज़ा लें, पिछले 30-40 वर्षों में अनेक लोगों ने ये जायज़ा लिया है कि शिक्षक ने ये जिम्मा किस तरह निभाया, तो आप देखेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के क्रम में जो लाचारियाँ हिंदी के सामने आईं, हमारा शिक्षक भी उन लाचारियों का ही शिकार बना। आज आप किसी भी विद्यालय में, चाहे वो अंग्रेज़ी माध्यम हो, चाहे वो दावा करता हो कि वो अंग्रेज़ी माध्यम नहीं है, ऐसे किसी विद्यालय में जाइए, हिंदी के शिक्षक से मिलिए, उसकी कक्षा में बैठिए, तो आपको बहुत देर नहीं लगेगी ये पहचानने में कि दरअसल हिंदी का शिक्षक उसी मिजाज में आज भी काम करता है जैसा मिजाज उसने 1930-40 के दशक में पाया था। पंडित सीताराम चतुर्वेदी की किताब हिंदी शिक्षण 1946 के आसपास कहीं प्रकाशित हुई थी और वो हिंदी के शिक्षकों के प्रशिक्षण का आदि ग्रंथ सिद्ध हुई। उसके बाद बहुत कम ऐसी किताबें आई हैं जिनमें कुछ नई बात है कि हिंदी का शिक्षक कैसे पढ़ाए। शब्दों को तीन हिस्सों में बांटने की परंपरा पहले भी थी, पर अब वो प्रशिक्षण का हिस्सा बन गई कि जिसे हम हिंदी कहते हैं उसमें तीन तरह के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। और ये उर्दू के शब्द हैं जो कि अरबी फारसी की परंपराओं से आए हैं, इनका स्थान इस तीसरे दर्जे में है, विदेशी शब्दों में है। जो हमारी बोलियों के शब्द हैं उनका स्थान दूसरे दर्जे में है, तद्भव में। और हिंदी शिक्षक का काम है कि जैसे ही वो बच्चे को तद्भव या विदेशी शब्दों का प्रयोग करता हुआ सुने या उन शब्दों के उच्चारण से उसका उच्चारण प्रभावित होता हुआ देखे तो तुरंत उसके कान खड़े हो जाएं, चौकन्ना हो जाए और वो बच्चे को उस तद्भव शब्द की जगह या उस उर्दू के विदेशी शब्द की जगह, जिसको विदेशी कहता है, वो तत्सम शब्द की सलाह दे। और अगर बच्चे ने लिख दिए हैं ऐसे शब्द तो उन पर गोला बना के उसकी जगह कोई तत्सम शब्द सुझाए। कल्पना कीजिए कि हरिवंश राय बच्चन आज किसी अच्छे स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं और किशोर हैं, अपनी मधुशाला उसी तरह लिख रहे हैं जैसी उन्होंने लिखी।